क्योंकि मैं हिचकिचा रहा हूँ पुट्स में, इसलिए इस वक्त क्योंकि कल के दो बड़े पुट राइटर्स के जोन यही हैं, निफ्टी में भी 21,500-600 और 47,800-700। आपका किसी लॉन्ग पुट का व्यू है यहाँ पे या फिर अवॉइड करेंगे इंडेक्स को आप एज ऑफ नाउ? निफ्टी में भी थोड़ा वेट करेंगे, मेरे हिसाब से 21,600 अगर ब्रीच होता है उसके नीचे निफ्टी जाए तो फिर एक बार शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, शॉर्ट रिकमेंडेशन ले सकते हैं या पुट में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी दोनों वीक लग रहे हैं। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना हो तो बैंक निफ्टी में आप एक पुट में खरीदारी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो बैंक निफ्टी का 25 जनवरी वाला 47,800 का पुट ऑप्शन 521 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 400 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। आई थिंक यहाँ पर आपको 750 रुपए तक के भाव 47,800 का पुट 25 जनवरी वाला उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। जेम, और सुबह हमारे पास जो हर्ष था एक बेनिफिट था निफ्टी आईटी के पुलबैक का, हालांकि निफ्टी आईटी का जो पुलबैक था वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पॉइंट पे रिवर्स हुआ, वो एग्जैक्टली इसका टेंडेमा था। अगर हमारी आप जिस दिन वो नैसडेक में इंसिडेंट हुआ था 2 जनवरी को एग्जैक्टली CY24 में पहली बार खुलने के बाद, उससे पहले की स्ट्रेंथ और इन पिछले 3 दिनों की वीकनेस को अगर आप देखें तो एक क्लियर उस प्राइस और इस प्राइस के बीच में डिफरेंस करने वाली कोई चीज़ है तो वो है 10-day एक्सपोनेंशियल मूवमेंट। उससे पिछली सारी बार्स का लो टेंडेमा था, पिछले 3 बार्स का हाई टेंडेमा है। राजेश सतपुते जी, कोई आईटी स्टॉक और जो आपके रडार में हो मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में जहाँ पे कोई ट्रेड आपको मिल पा रहा हो, अगर मान लीजिए इसका सिंक ही होना है निफ्टी आईटी का फाइनली उस प्रोस्पेक्टिव से? देखिए उस प्रोस्पेक्टिव से देखिए तो मुझे लगता है TCS पे नजर रखिए, मुझे लगता है कि हमने सुबह जो खेला था दैट वाज अ रिलीफ रैली, एक पुलबैक ट्रेड था, और ये जो रेजिस्टेंस है TCS का वो 2750 पे इंटैक्ट है, 2750 ये इसका बैरियर होगा, तो जो भी पुलबैक आता था वो 2750 के हिसाब से फिजल आउट होगा, दैट इज द वर्डिक्ट। तो चार्टिकली देखिए हमें सेल करना है तो TCS में थोड़ी मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि इसका एक टारगेट पेंडिंग है करीबन 3,670 का, 3,650-3,670 तक TCS गिरेगा, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करें। आईटी ये जो करेक्शन शुरू हुआ है इसका एक फेज है, फेज होता है, एक लेवल होता है, वो कंप्लीट होने दीजिए। मुझे लगता है 3,650 के आसपास फिर से थोड़ा सा स्ट्रेंथ हमें आईटी में दिखेगा, TCS में इन पर्टिकुलर। देखते हैं क्या पोजीशन होनी चाहिए, यही इनफैक्ट लोन रेंजर्स रहेंगे अब इस मार्केट के सपोर्ट के लिए, जिस तेजी से बाजार क्लियरली